मंदिर में किसको आप लगा रहे हो, वहाँ फॉरवर्ड का पंडित पंडित बैठेगा कि बैकवर्ड का बैठेगा कि एससी का बैठेगा, कौन सा पंडित बैठेगा आप बताओ? अगर वहाँ 10 फॉरवर्ड का बैठा रहे हो तो 10 बैकवर्ड के भी बैठाओ, 10 एससी का बैठाओ, तब तो हम समझे कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप जनता से पूछिए, आप बताइए। कुछ ईवीएम में कुछ घोटाला हो जाता है भाई, ईवीएम आप ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं? नहीं भैया है, भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी पर जीएसटी लगाया गया तो शिक्षा पर है, ऐसा क्यों? इसको हटाया जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप? गरीब आदमी बेचारा बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। ये मंदिर है और मस्जिद से थोड़ी हम लोग का काम चलेगा, हम लोग तो बेरोजगार हैं। नमस्कार, एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं और 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। मोदी सरकार के उन्होंने 9-10 साल देखे हैं, मोदी सरकार का कामकाज कैसे लगा और जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन में कितना दमखम है, ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है। तो हम ग्राउंड जीरो पर ही हैं आम जनता के बीच में। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम नरेंद्र किशोर यादव। यादव जी, क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में गठबंधन वाली सरकार बनेगी। गठबंधन वाली? क्यों लगता है कि गठबंधन वाली? अरे बहुत आदमी नाराज हैं इनसे, जनता किसान नाराज है। हाँ, किसान सब खेती ये चौपट करवा दे रहे हैं, गाय भैंस सांड छोड़वा दे। हाँ, मुद्दे क्या रहेंगे 2024 में आपके हिसाब से? अब जवान आप रहा बताएंगे हमारे नेता जी। हाँ, आप नाराज हैं, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है। हाँ नहीं, वो तो कहने दीजिए उनको ना, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं तो ये जो इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो ये हाँ ये करेंगे, ये करेंगे। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, फिर भी 3-3 राज्य जीत तो गए। जीत गई, जीते होगी, अब जैसे जीते हों। हाँ, जैसे जो जनता ने जिताया है हो गया, लेकिन यहाँ नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएंगे। हाँ, तो देखो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो होने दीजिए ना। तो अच्छा ये बताइए, राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है तो क्या माहौल कुछ बदलेगा? बदलेगा, घंटा बजाने से माहौल बदल जाएगा। बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा उससे? अब वो बीजेपी वाले जाने, बीजेपी माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ माहौल गठबंधन वाला है। अच्छा, गठबंधन वाला है। हाँ। अच्छा एक सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि माहौल गठबंधन वाला है। हाँ। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अखिलेश यादव की अपनी सीटें हैं, अपना हाँ। जनाधार है। हाँ। मायावती का अपना जनाधार है। हाँ। बिना मायावती के इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं? अब क्यों नहीं, अब हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पल्ला भारी है? हाँ, पल्ला भारी है। आपको क्या लगता है भाई? भैया हमारे यहाँ तो सपा जीतेगी। सपा जीतेगी, सपा जीतेगी। क्यों लगता है कि सपा जीतेगी? भैया ये बीजेपी वाले इतना ज़्यादा महंगाई कर दिए हैं, अभी देखिए ट्रक का चक्का जाम हो गया था और ये अभी तो होल्ड पर हो गया ना मामला। अभी अभी तो होल्ड पे मुलक दी। हाँ। इतना जनता पर परेशान थी थी। और ये जान लीजिए पाँच दो ये तीन दिन में इतना साग सब्जी इतना महंगा हो गया। हाँ। ये जान लीजिए कि महंगाई इतना दौर पे है, सीमा चरण पे है। हाँ। भाई ये मंदिर है और मस्जिद से थोड़ी हम लोग का काम चलेगा, हम लोग तो बेरोजगार हैं। इतना मान लीजिए, ये देखिए आप तो मैं अभी गाड़ी खड़ी किए हैं भाई, बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी की चर्चा कहाँ होती है इतनी, जितना दूसरे मुद्दों की होती है? भैया देखिए, हमारे यहाँ तो बेरोजगारी ही बहुत ज़्यादा ही हो गई है, जब से बीजेपी सरकार आई बहुत ज़्यादा ही बेरोजगारी हो गई है। भैया भी जनता खुश है? जनता तो भैया ये देखिए, ये कुछ ईवीएम में कुछ घोटाला हो जाता है भाई। ईवीएम आप ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं? नहीं भैया है, ईवीएम में है, ये जान लीजिए। बैलेट पेपर से कराएं, देखें चुनाव बीजेपी हार जाए। हाँ, हार जाएगी 100%। ईवीएम पे क्यों, ईवीएम को बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे भैया ईवीएम में बीच में क्यों नहीं? कर्नाटक जीत गए, ईवीएम से कर्नाटक जीते, ईवीएम से पंजाब जीते, दिल्ली जीत गए। अच्छा बताइए, दो तीन ही जगह तो जीते हैं ना? हाँ। और बाकी दो सीट तो निकली है कि नहीं निकली? बंगाल में जीते ईवीएम से, तो वहाँ भी भैया ईवीएम में है तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से हो जाएगा ना, तो चुनाव हार जाएगी बीजेपी। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं भैया, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है, ये जान लीजिए भैया। विनाश क्यों लग रहा है? अरे भैया विनाश है, हम बेरोजगार हैं भाई, देख लीजिए इतनी महंगाई है, अब क्या बताएं। तो महंगाई है, आपको क्या लगता है चाचा? मेरे हिसाब से सब सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो सुविधाएं नहीं है, जैसे हमारे रोड पर बस चलती थी, तीन आती थी तीन जाती थी, आज वो नहीं चल रही, पब्लिक परेशान है, शहर उसको जाना रहता है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद चल जाएंगे? राम कब चलेगी? हाँ। अरे यार बिजली के बिल तो उसने माफ किया एक साल पहले, आज तक माफ ही नहीं हुआ। हाँ। जो है आप राम मंदिर में किसको आप लगा रहे हो, वहाँ फॉरवर्ड का पंडित बैठेगा कि बैकवर्ड का बैठेगा कि एससी का बैठेगा? हाँ। कौन सा पंडित बैठेगा आप बताओ? अगर वहाँ 10 फॉरवर्ड का बैठा रहे हो तो 10 बैकवर्ड के भी बैठाओ, 10 एससी का बैठाओ, तब तो हम समझे कि आप सबका साथ सबका विकास बांट रहे हैं। आप समाज के मतलब अलग अलग लोगों को जातियों में बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं?
आप तो गिना रहे ना कुछ फाड़ मैं क्या कह रहा हूँ, आज जितनी मंदिरें बनी है उसमें कितने बैकवर्ड कितने एससी बैठे हैं आप बताओ हमें, कितने एससी के पंडित वहाँ बैठे हैं, कितने फॉरवर्ड के पंडित वहाँ बैठे हैं, कितने बैकवर्ड के बैठे हैं आप बताओ हमें। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप जो है पंडितों को तनख्वाह देने जा रहे हो, यही विकास है? विकास नहीं हुआ क्या? क्या हुआ विकास? आप नहीं कहते तो सबका साथ, आप सड़क बनवा रहे हो, पहले की सरकारें थी सड़क बनवाती थी तो वो टोल टैक्स इतना नहीं लेती थी, आप सड़क बनवा रहे हो टोल टैक्स ले रहे हो, बताइए आप क्या सुविधा है? जब हमारे ही पैसे से सारा काम चल रहा है तो क्या मतलब है, कौन सा विकास है आप बताओ? कितने बेरोजगार हमारे जो है भाई घूम रहे हैं, उनको कौन सा रोजगार मिल रहा है बताइए आप? अच्छा, जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे? किसको हराना? दो पहलवान लड़ेगा तो जीतेगा एक ही, बीजेपी बनेगी कि सपा बनेगी कि बीएसपी बनेगी ये ईश्वर जाने, इसको हम लोग नहीं बता सकते, समझे ना भाई? हम कह रहे हैं कि बीजेपी को हैट्रिक से रोकने के लिए सब पॉलिटिक्स 28 दल इकट्ठा हुआ है, 28 नहीं 48,000 इकट्ठा हो जाए उससे मतलब नहीं है, जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा, वो हमारे ईश्वर मालिक तो जनता है ना? नहीं नहीं ये आप गलत, नहीं मालिक जनता मालिक नहीं है, नहीं जनता ही तो बनाती, जनता क्या यार 5 किलो राशन देते हो, 2000 खेत का पैसा आप देते हो और उससे कई गुना ज्यादा आप महंगाई बढ़ा रखे हो, ये कहाँ जा रहा है आप नहीं देख रहे हो? फिर भी खुश है जनता? ये तो जनता से पूछिए आप बताइए। हाँ तो कुछ और लोग हैं, हाँ चाचा कुछ बोलेंगे? हम क्या बोले, ये क्या तंबाकू खा रहे हैं नुकसान करेगा? अरे भाई ठीक है, जो बढ़िया है सब, सरकार जो चल रही है सब ठीक है भाई, अभी सरकार लेने देने की बात है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हाँ चाहे जो सरकार आएगी सब, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो छोड़ देते हैं, आपको सरकार कैसी लगी? भाई सरकार तो ठीक है, रोड बनवा रही है और 2000 रुपया दे रही है, कुछ सरकार नहीं कर रही है। और क्या चाहिए आपको? आपका अरे आप महंगाई से जिंदा बढ़ गई है, इतनी महंगाई चल गई, हम धंधा नहीं करेंगे, सब्जी लेने जा रहे हैं, मिठाई लेने जा रहे हैं, चीनी ले रहा 46 रुपया किलो हो गई है, तो महंगाई नहीं है? बीजेपी के लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी हो तो कमाई बढ़ गई है। कुछ नहीं कमाई बनी, कमाई जीरो हो गई है, जीरो एकदम हो गई है। हम पहले दूध 42 रुपया दुहा के 45 में बेची थी, 3 रुपया में क्या होता है, कुछ होता है वो दुकानदार? बार फिर से मोदी जी आने चाहिए? हम इसको नहीं जानते, मोदी आएंगी कि अखिलेश आए कि कांग्रेस, आपके मुद्दे ये है जो आप बता रहे हैं महंगाई है? महंगाई बहुत जिंदा है, कमाई कुछ नहीं है, कमाई कुछ नहीं, बिजनेस में कुछ नहीं है, आदमी ले साइकिल घूम रहा है, स्कूटर ले रहा है, गाड़ी ले घूम रहा है, तेल सदू पेट्रोल एक टंकी वाले 100 रुपया तेल ला 800 ग्राम दे थी, उसके लिए नहीं पकड़ रहे हैं कोई मीटर, मीटर कोई कोई करता होगा, आपको क्या लगता है? इसे 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 इनसे इनसे बात करें, इनसे बात। हाँ हाँ बोलिए, आपको क्या लगता है 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में वैसे तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन? क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और महंगाई है, गरीब आदमी और गरीब हो जा रहा है। राशन तो दे रहे हैं ना? राशन तो क्या होगा, राशन तो इसे अनाज किसान खेती करके किसान मजदूर से करके वो राशन ले लेते हैं। ये बताते हैं ना कि हम भाई राशन दे रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे दे रहे हैं, और क्या चाहिए? हम इससे नहीं खुश हैं भाई, गवर्नमेंट देखो काम दिख रहा है लेकिन जो आयात निर्यात है गवर्नमेंट ये चीज गलत कर रही है, क्योंकि क्या खरीदना चाहिए क्या बेचना चाहिए अभी इनको यही नहीं मालूम है, जो आयात जिससे भारत सरकार को भारत गवर्नमेंट को बाहर से क्या खरीदना चाहिए और गवर्नमेंट को यहाँ से क्या मतलब किसी को बेचना चाहिए ये चीज नहीं कर पा रही। डेली इतनी कमियाँ गिना रहे हैं, अगर इतनी कमियाँ हैं, इतनी कमियाँ गिना रहे हैं, देखिए दिख तो रहा है काम लेकिन उससे ज़्यादा एक हर हर कैंडिडेट के आदमी के ऊपर बोझ बढ़ जा रहा है, हर 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 आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा हो जा रहा है, हर आदमी के ऊपर बोझ ज़्यादा हो रहा है। एक माँ में जो प्रेगनेंट होती है जो बच्चा होता है उस पर अगर वो आ जाता है हो जाती है माँ उसके ऊपर भी बोझ जाता है। अच्छा यही सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, यही मुद्दे मध्य प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ के चुनाव में सारे जगह हर जगह उठे फिर भी हार गए। देखिए ये हम इस राज्य का मतलब बता चुके रहे हैं, यही मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है, बाकी भाई जो क्या कुछ कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी पर जीएसटी लगाया गया तो शिक्षा पर है, ऐसा क्यों? इसको हटाया जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप? गरीब आदमी बेचारा बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? ये चाह रहे हैं बच्चा पढ़ेगा नहीं, डिमांड क्या करेगा हमसे? ये चाह रहे हैं पब्लिक जनता यहाँ की जाहिल हो और हम लोग तानाशाह बन रहे हैं,
इनकी पॉलिसी यही है कुछ वो नहीं। क्यों जाएंगे वो चाहेंगे कि भारत की पॉलिसी यही है समझ रहे हो, ये आज 9 साल से ही कर रहे हैं समझ रहे हो, सारा मकान मनमानी कर रहे हैं तानाशाही समझ रहे हो, जो जो बिल ला रहे हैं पास कर दे रहे हैं, कोई क्या कुछ कर पा रहा है कोई, उनका सब काम मनमानी कर रहे हैं, एक काम संविधान के खिलाफ बताओ कर रहे हैं, सब काम संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, क्या मनमानी कर रहे काम बताओ संविधान के साथ कर रहे हैं, नहीं नहीं सारे मनमानी कर दिया तो समझाइए, जितने काम कर रहे हैं सारे काम संविधान के खिलाफ है, सारे काम अब क्या कौन सा बता रहा हूँ ना, बताइए बिल लाए कौन सा बिल लाए, ड्राइवर वाला ना, अरे भैया अगर मैं ठीक है मानता हूँ, पहले तुम जो सिस्टम तुम्हारा है पुलिस वाला और जो पब्लिक है पुलिस को जागरूक करो, बचाओ मान लो मैं लड़ाता हूँ किसी को अगर मैं रोक गया उसको बचाने के लिए, पब्लिक सारी मेरे को मार डालेगी यार समझ रहे हो, मैं मर जाऊँगा वहाँ तो भागूंगा नहीं, साले पहले तुम तो जड़ पे तो कर ही नहीं रहे हो कुछ, पहले सिस्टम बना दे रहे हो 10 लाख रुपए का, भाई कौन यार रुकेगा बताओ तुम, वो तो बाकायदा जांच पड़ताल होगी, दोषी पाए जाओगे तब होगा, पहले तुम पूरा जगह पूरे भारत में कैमरा पूरा कैमरा लगाओ समझ रहे हो, कैमरा लगाओ तब ऐसा होगा, तुम क्या कर रहे हो यार कि बताओ, मैं लड़ा दिया रुक गया बचाने के लिए, पब्लिक माने क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम है जो नहीं जो होने चाहिए थे हुए नहीं, आज 9 साल हो गए सर प्रदेश सरकार आए, हाँ आर्टिकल नंबर 25 में बोला गया कि प्रदेश का कोई भी सीएम या मुख्यमंत्री किसी भी मत मजहब को विशेष बढ़ावा नहीं देगा, ये सारे काम एक तरफा कर रहे हैं, आप देख रहे हो आँख से पूरा भारत देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ समझ रहे हो, एक तरफा कर रहे हैं हर काम कर रहे हैं बता रहा हूँ, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्या ले रहे हैं बताओ बताओ ना क्या है, सबका साथ सबका विकास, क्या विकास है बताओ ना, सबका साथ सबका, अरे यार जुमलाबाजी समझ रहे हो, जुमलाबाजी है इससे कुछ काम नहीं चलेगा समझ रहे हो, जुमलाबाजी से काम नहीं होगा, ये सारे काम संविधान के खिलाफ कर रहे हैं समझ रहे हो, सारे जैसे क्या जितना काम किए हैं लोग, और बोलते राशन बात कर रहे हो तुम, राशन उनका बाप का है यार मेरे देश का है समझ रहे हो, संवैधानिक अधिकार है मेरे, उसमें सत्ता है वो दे रहे हैं पास कर रहे हैं बस कमा रहे योगी।